हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सिक्स्थ वीडियो ऑफ सेल्समैन प्रॉब्लम। अब ये लास्ट वीडियो बच्चों बची है सेल्समैन प्रॉब्लम के ऊपर। लेट्स सी कि आप लोगों ने पहली जो वीडियोस देखनी होंगी, लेट्स सी कि ये किस टाइप की रहती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्पैम ऑफ डेज गिवन है बच्चों कि आप लोगों के किस डेज में कौन सी चीज़ प्ले करेगी। तो वही सेम काम है, बट यहाँ पे आप लोगों की ग्रेड बन जाती है, तो आप लोग ग्रेड की हेल्प ही लो, बाकी का आपने नहीं करना है। लाइक स्पैम ऑफ डेज गिवन है फ्रॉम संडे टू सैटरडे, 6 लेक्चर्स आर ऑर्गेनाइज फ्रॉम संडे टू सैटरडे। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट। इन डेज पे जो है मेरे लेक्चर्स का स्पैम है कि कौन सा कहाँ पे विजिट कर रहा है, तो उसके हिसाब से ही हमने काम करना है। ए शुडेंट बी ऑर्गेनाइज ऑन थर्सडे, थर्सडे को ए नहीं होगा, तो मैं नीचे ए लिख के क्रॉस कर लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ आगे जाके यूज होगी। सी सी शुडेंट बी ऑर्गेनाइज इमिडिएटली आफ्टर एफ, सी जो है जस्ट आफ्टर एफ होगा, यानी एफ के जस्ट बाद सी होगा, एफ एंड सी इकट्ठे आएंगे, ये चीज़ याद रखना है हमने। तो दो स्टेटमेंट डन। तीसरा, देर शुड बी ए गैप ऑफ 2 डेज बिटवीन ई एंड डी। अब ई एंड डी का जो गैप है बच्चों वो दो वे से मैटर करता है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है ई एंड डी के गैप के ऊपर। अभी मुझे कोई भी कुछ हिंट मिला नहीं है तो मैं उसमें पुट नहीं कर सकता। चलो जी, वन डे देर विल बी नो लेक्चर एंड फ्राइडे इज नॉट दैट डे, दैट मीन्स की लीव लीव वाला डे फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे को लीव नहीं होगी। जस्ट बिफोर दैट डे डी विल बी ऑर्गेनाइज, जस्ट बिफोर दैट डे, उससे जस्ट पहले बी डी विल बी ऑर्गेनाइज। दैट मीन्स कि बच्चों कि या तो लीव मेरी यहाँ पे आ सकती है या फिर मेरी लीव यहाँ पे आ सकती है। अगर मैं ये वाला स्पैम फिट करता हूँ तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, ऐसे जो है स्पैम फिट हो सकता है। मैं ये वाला पहले करना चाहूँगा, एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। लेट से ये डी, ये मेरी लीव, और बच्चों यहाँ पे मेरा जो है एक ब्लैंक, और यहाँ पे मेरा ई जो है आ सकता है। एक काम तो मेरा यहाँ पे ये बन सकता है। अब बच्चों देखो, ए यहाँ पे तो नहीं आएगा, दैट मीन्स कि एफ एंड, अब देखो दो प्लेस मुझे वैकेंट चाहिए एफ एंड सी के लिए, तो मैं ए को अगर यहाँ पे डालता हूँ तो एफ एंड सी को मुझे अलग अलग प्लेसेस पे डालना पड़ेगा। तो मैं एफ एंड सी को यहाँ पे डाल देता हूँ और ए को यहाँ पे फिट कर देते हैं। अब एक कैंडिडेट पेंडिंग भी रह गया होगा, बी शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को जो है बी ऑर्गेनाइज होगा, एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाई डी, यानी यहाँ पे डी नहीं आ सकता है, ये भी उसने पहले ही क्लियर किया है। अगर मैं ये वाला पैटर्न पिक करता तो ये वाला यहाँ पे फिट ही नहीं हो पाता आपका, राइट। तो दिस इज ए सीक्वेंस, जो आपकी डेज की सीक्वेंस इस क्वेश्चन के अंदर बन रही है वो ये है। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑन विच डे देर इज नो लेक्चर, कौन से दिन पे लेक्चर नहीं है बच्चों, दैट इज ऑन मंडे। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, दिस इज मंडे, मंडे को यहाँ पे कोई भी लेक्चर नहीं है बच्चों, तो आंसर इज मंडे, फर्स्ट वन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी लेक्चर्स आर ऑर्गेनाइज बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में कितने लेक्चर होंगे। तो बच्चों लेट्स सी, सी एंड डी, दिस इज सी और दिस इज डी, दिस इज 1 2 3, एक तो लीव रहेगी, तो तीन ही लेक्चर आपके रहेंगे, 3 आंसर वुड बी 3, 4 आंसर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एक तो लीव है, उसने डेज नहीं बोला। अगर वो डेज बोलता देन आंसर विल बी 4, इफ इज सेइंग अबाउट लेक्चर देन आंसर नंबर 3। तो यहाँ पे अगर वो डेज बोलता बच्चों तो आंसर 4 होता, अगर उसने लेक्चर बोलने हैं तो आंसर 3 है, तो याद रखना है क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, विच डे विल बी लेक्चर एफ बी ऑर्गेनाइज, एफ की वैल्यू बच्चों मैंने देखनी है, तो एफ मेरा ऑर्गेनाइज है थर्सडे को, तो आंसर विल बी थर्सडे, यानी ऑप्शन नंबर ए थर्सडे मेरा आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज, तो लास्ट आई थिंक ए है बच्चों, जो अभी हमने देखा था, दिस इज ए विल बी द लास्ट ऑन सैटरडे, तो ए इज माई आंसर। तो काफ़ी इजी है, इसमें हम ग्रेड भी बना पाए, बाकी लेक्चर्स में हम बाकी जो लेक्चर्स थे आपके उनमें किसी में भी सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर ग्रेड नहीं बनती है, वो ऑप्शंस के थ्रू आंसर्स निकाले जाते हैं। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को एक नया कंसेप्ट था, ये समझ आ गया होगा कि डेज के स्पैम के अंदर हम टेबल या ग्रेड भी बना सकते हैं और वो ईजिली निकल जाता है।
तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।